नमस्ते फ्रेंड्स, कल्पना की रसोई में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी सेट डोसा की रेसिपी। तो चलिए, इसके लिए हमने एक बोल भर कर पोहा ले लिया है, जाड़ा पोहा। उसके बाद हमने एक कटोरी सूजी ली है और इस बैटर को हमने मिक्सी में पीस लिया है। और उसके बाद हमने उसमें हाफ बोल हमने उसमें कर्ड डाला है, दही डाला है। और इस बैटर को ये देखिए 5 ही मिनट बाद ये सेट हो गया है। इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। तो चलिए, तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं, तब तक हम चटनी बना लेते हैं डोसे के साथ खाने के लिए। तो उसके लिए हमने नारियल दालिया और हमने हरी मिर्च, अदरक, नमक के डालकर एक चटनी पीस ली है, बढ़िया सी नारियल की वाइट चटनी, जो हम इस डोसे के साथ सर्व करेंगे। और जब तक चटनी में तड़का न लगे तब तक क्या बात है। तो चलिए, तड़का देते हैं इसमें। हमारी चटनी तैयार हो गई है तड़के के साथ। दूसरी तरफ हमने तवे को चढ़ा दिया है, पैन को हमने गैस पर तेज़ फ्लेम पे चढ़ा दिया है। अभी तो इसे गर्म होने की ज़रूरत है। हमने थोड़ा सा ऑयल उस पर स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद अब हम बैटर इस पर डाल देंगे। देखिए, फैला दिया है हमने इसे बहुत ही अच्छे से, और तेल फैलाने की वजह से अब ये चिपकेगा नहीं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये बन रहा है। देखिए, इसमें जालियां भी हमें दिख रही हैं। उसके बाद हमने इसे पलट दिया है और ये देखिए, इतना बढ़िया क्रिस्पी डोसा तैयार हो गया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में बन जाता है।